नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू मॉडर्न क्लासेज ऑनलाइन स्टडी चैनल विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। तो दोस्तों, जो हमने हमारा जो 2018 का जो क्वेश्चन पेपर है बीबीएससी का, उसमें हमने 50 क्वेश्चन कर लिए थे बायोलॉजी के 50। आज मैं डिस्कस कराऊंगा, तो पहले की तरह आप कॉपी पेन उठाइए और बैठ जाइए, सॉल्व करिए क्वेश्चन। ये आपका टेस्ट ही लगा लो एक तरह से। तो दोस्तों, आप यार एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आप यार जो आपका स्कोर है वो शेयर नहीं करते हो, लेकिन ये गलत बात है ना। तो आप जो स्कोर है वो उसको शेयर जरूर किया करो मेरे साथ, तभी तो मेरे को पता चलेगा कि आपका कौन सा कंसेप्ट वीक है। मेरे को थोड़ी पता चलेगा कि आप इस चीज़ में वीक हो। आप कमेंट किया करो, सर मेरे से ये क्वेश्चन नहीं लग रहा तो आप समझा दो, तो मैं कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दिया करूँगा। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं। तो हमने एक मतलब कि 50 क्वेश्चन कर लिए, तो अगले 50 हम करेंगे बायोलॉजी के। टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन विच इज़ नॉट सिक्रेटेड बाई ट्यूबुलर सेल ऑफ नेफ्रॉन इन टू द फिल्ट्रेट। तो क्वेश्चन है ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन। तो हमने ये क्वेश्चन तो कर लिया था, ठीक 50 क्वेश्चन था। तो अगला क्वेश्चन है, माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल ऑफ जिम्नोस्पर्म इज होमोलोगस टू विच स्ट्रक्चर इन एंजियोस्पर्म रिस्पेक्टिवली। तो बताइए इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर पॉज करके बताइए। तो पॉज करके आपने लिख लिया होगा, तो इसका आंसर ए है, स्टेमन और कार्पल के वो होमोलोगस होते हैं। तो 152 क्वेश्चन देखते हैं। रूट प्ले इनसिग्निफिकेंट रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन। किसमें रूट इनसिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में? तो वो है पिस्टिया, तो इसका ए है। तो है 153वां क्वेश्चन देखते हैं, जिम्नोस्पर्म में क्या नहीं होती? इनमें से जिम्नोस्पर्म ए बी सी डी में से बताना आपको, तो इनमें से बताइए। तो इसका आंसर वो है ए है, लैक सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। 154वां क्वेश्चन, और दोस्तों जितने क्वेश्चन है ना सभी रिपीट हुए हुए क्वेश्चन है, नीट में, AIPMT में, एम्स में, जिपमर में, और जो BBSC के और एग्जाम होते हैं अदर स्टेट्स के। 153वां क्वेश्चन है, ये तो हो गया 153वां, तो ठीक है इसका आंसर ए है। तो 154वां देखते हैं हम, द ग्राउंड टिश्यू ऑफ लीफ, ग्राउंड टिश्यू ऑफ लीफ बताना है आपको। तो 154वें का बताना, ग्राउंड टिश्यू ऑफ लीफ, तो इसका आंसर वो है सी नहीं है, इसका आंसर ए है। इसका आंसर इज रिप्रेजेंटेड बाय मीजोफिल, क्योंकि सी में कंसिस्ट ऑफ थिक वालिड लिखा है, तो यहाँ पर थिन वालिड होना चाहिए, तो इसका आंसर ए है। तो 155वां क्वेश्चन देखते हैं, विडाल टेस्ट इज यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ। विडाल टेस्ट किसके डायग्नोसिस के लिए यूज किया जाता है? तो विडाल टेस्ट दोस्तों टाइफाइड के लिए यूज किया जाता है, तो इसका आंसर वो है ए है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 156वां क्वेश्चन देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन। तो 157वां क्वेश्चन देखते हैं हम, तो 156वां देख लेते हैं पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? द प्रेजेंस ऑफ कम्पिटिटिव इनहिबिटर डिक्रीज द KM वैल्यू ऑफ फॉर एंजाइम फॉर द सबस्ट्रेट। ए कम्पिटिटिव इनहिबिटर रिएक्ट रिवर्सली विद द एंजाइम टू फॉर्म एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स, या सी है या डी है, तो बताइए। तो इसका आंसर वो है, इसका आंसर वो है ए है, द प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव डिक्रीज द KM वैल्यू ऑफ एंजाइम फॉर द सबस्ट्रेट। तो अगला क्वेश्चन है वो है, 157वां क्वेश्चन है वो है, द लॉन्गेस्ट पोर्शन इन ए बैक्टीरियल फ्लैजनम इज। बैक्टीरिया का जो फ्लैजला होता है उसमें जो लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है कौन सा होता है? तो दोस्तों आपको सबको पता ही होगा कि बैक्टीरिया के फ्लैजला में सबसे ज़्यादा लंबा फिलामेंट होता है, ठीक है। तो 158वां क्वेश्चन देखते हैं, राइबोसोम इज मेड अप ऑफ, राइबोसोम इज मेड अप ऑफ, तो इसका आंसर वो है ए है, RRNA प्लस प्रोटीन, ठीक है। द क्रोमोसोम इन विच सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू वन एंड, जिस वह मतलब कि क्रोमोजोम जिसमें एक एंड पे होता है लोकेटेड, तो इसका आंसर वो है टीलोसेंट्रिक। तो 160वां क्वेश्चन देखते हैं, म्यूटेशन आर ए वाइल्ड डार्विन वेरिएशन आर बी। तो बताना आपको म्यूटेशन के बारे में और डार्विन वेरिएशन के बारे में। तो दोस्तों इसका आंसर वो है सी है, म्यूटेशन रैंडम एंड डायरेक्शनलेस होती है, और जो डार्विन की म्यूटेशन है वो है स्मॉल एंड डायरेक्शनल होती है। तो म्यूटेशन का कंसेप्ट दिया था ह्यूगो डी ब्रिज ने, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत मेन है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सेट ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन, इनमें से कौन सा एक करेक्ट सेट है वेस्टिजियल ऑर्गन का? तो दोस्तों उसका आंसर वो है ए है, कोकिक्स, वर्मीफॉर्म, अपेंडिक्स एंड ईयर पिन्ना। दोस्तों कुछ लोगों में ईयर पन्ना होता है वो फंक्शनल होता है, तो उस फिनोमेना को बोलते हैं एटाविज्म, ठीक है। तो 162वां क्वेश्चन देखते हैं, दी फर्स्ट ह्यूमन लाइक बींग द होमिनिड वाज, फर्स्ट ह्यूमन लाइक बताइए इनमें से कौन सा था? तो फर्स्ट ह्यूमन लाइक, होप आपको पता होगा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर वो है सी है, होमो हैबिलिस था फर्स्ट ह्यूमन लाइक। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, जीन फ्लो इज, जीन फ्लो बताना आपको क्या होता है जीन फ्लो इज। तो जीन फ्लो होता है ट्रांसफर ऑफ जीन बिटवीन जेनेटिकली डिस्टिंक्ट बट इन ब्रीडिंग पॉपुलेशंस, ठीक है। 164वां क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट टू ह्यूमन। 164वां बताइए इनमें से कौन सा क्लोजेस्ट टू ह्यूमन है? तो इसका आंसर वो है होमो इरेक्टस है, सी है। ए फीमेल जिम्नोस्पर्मिक प्लांट हैज जीनोटाइप TT
which pollinate another gymnosperm with genotype TE at as a result fertilization with the embryo or endosperm की आपको ploidy बतानी है, मतलब कि आपको वो बताना है, ठीक है, endosperm की जो genotype बतानी है, gymnosperm है तो endosperm की जो बताइए इसका आंसर क्या है, तो 165 में का बताइए, तो endosperm की और embryo की जो होनी चाहिए बताइए, तो इसका आंसर वो है, इसका आंसर ए है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है वो हैप्लोइड होता है, तो इसका आंसर आएगा ए। तो आगे देखते हैं 166 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर सीड, सीड के लिए क्या करेक्ट है, तो इसका आंसर वो है डी है, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि एम्ब्रियोनल एक्सिस को टाइगलम कहते हैं, हाइपोकोटाइल टर्मिनेट हो जाती है रेडिकल में और एपिकोटाइल टर्मिनेट हो जाती है प्लीमोल में, तो मैच करना आपको अगले क्वेश्चन में, तो मैच कर लीजिए, तो इसका सही मैच मैं बता देता हूँ क्या है, इसका सही मैच है बी है, क्योंकि एस्परगिलस वो सिट्रिक एसिड, मतलब कि सिट्रिक एसिड कौन प्रोड्यूस करता है, एस्परगिलस नाइगर, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम बुटाइलिकम बुटायरिक एसिड, ठीक है, तो ऐसे आप इसका आंसर वो है, तो मैंने बता दिया इसका आंसर 167 का वो है बी है। तो 168 देखते हैं, डैश आर प्रोड्यूस बाय यीस्ट एंड एक्ट एज कॉम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, तो बताइए, तो इसका आंसर वो है सी है, स्टेटिन आएगा। विच टाइप ऑफ एसोसिएशन इज फाउंड इन एंटोमोफिलस फ्लावर एंड पोलिनेटिंग एजेंट, तो बताना है आपको एंटोमोफिलस फ्लावर में और पोलिनेटिंग एजेंट में क्या रिलेशनशिप है, तो इसमें रिलेशनशिप है कोइवोल्यूशन, दोनों कोइवोल हो या म्यूचुअलिज्म भी है, लेकिन कोइवोल्यूशन इसके ऑप्शन के हिसाब से कोइवोल्यूशन आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच पेयर ऑफ एंडेंजर्ड एनिमल एंड नेशनल पार्क, तो बताइए, तो इसका आंसर वो है 170 का बताइए क्या है, तो इसका आंसर सी है, एक सिंह वाले गेंडे के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क है। क्लाइमेट ऑफ वर्ल्ड इज थ्रेटेंड बाय, क्लाइमेट ऑफ वर्ल्ड इज थ्रेटेंड बाय, तो इसका आंसर वो है इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एटमोस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। वार्म ओशियन सर्ज ऑफ पेरू करंटली रिकरिंग एवरी 5 to 8 ईयर और ईयर सो इन ईस्ट पैसिफिक ऑफ साउथ अमेरिका, तो इसको क्या बोलते हैं, तो ये होता है एल नीनो इफेक्ट, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। 173 देखते हैं, माइकोप्लाज्मा इज नॉट इनहिबिटेड बाय पेनिसिलिन बिकॉज इट डज नॉट हैव, तो बताइए माइकोप्लाज्मा क्यों नहीं वो कर सकता, क्योंकि उसके पास सेल वाली नहीं होती। एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट एलर्जिन, एलर्जिन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी होती है उसको क्या बोलते हैं जो प्रोड्यूस होती है, तो एलर्जिन के जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है उसको आईजीई होती है वो। 175 का देखते हैं, इन मॉस द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल इज, मॉस में जो प्रीडोमिनेंट स्टेज होती है लाइफ साइकिल की वो कौन सी होती है, तो इसका आंसर वो है सी है 175 में से, क्योंकि गैमेटोफाइटिक ग्रीन प्रोटोनिमा होती है और लीफ स्टेज बाद में आती है, पहले प्रोटोनिमा आती है। मोनोशियस प्लांट ऑफ कारासोज अकेरेंस ऑफ, बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन, बहुत पिट चुका है ये क्वेश्चन, तो इसका आंसर वो है अपर उगोनियम लोअर एंथ्रीडियम ऑन सेम प्लांट। 177 का देखते हैं, चूज वन द और इसमें से चूज द वन ओड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू मोनोशियस प्लांट, मोनोशियस प्लांट दोस्तों मैं बता दूँ बाइसेक्सुअल प्लांट होते हैं, ठीक, इनमें से आपको इनमें ओड छांटना है, तो मोनोशियस बाइसेक्सुअल हो गया, डायोशियस यूनिसेक्सुअल हो गए, तो यूनिसेक्सुअल तो इसमें एक या पपाया, तो इसका आंसर पपाया है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, जाइगोस्पोर आर फाउंड इन, जाइगोस्पोर किसमें फाउंड मतलब किसमें पाए जाते हैं, तो जाइगोस्पोर दोस्तों एल्गी और फंजाई में जाइगोस्पोर पाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ एंथर प्रोवाइड नरिशमेंट टू पोलन, पोलन को कौन सी लेयर नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, तो टैपेटम करती है, तो इसका आंसर डी है। विच अगला देखते हैं, आर एन ए इंटरफेरेंस का वो बताइए, आर एन ए इंटरफेरेंस के चार स्टेटमेंट दी हुई है, इनमें से कौन सी करेक्ट है, तो इसका आंसर वो है डी है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है इसमें। तो अगला देखते हैं, द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन फॉर ट्रीटिंग, फर्स्ट क्लिनिकल जो जीन थेरेपी दी गई थी वो किस लिए दी गई थी, तो इसका आंसर वो है डी है, एडोनिसिन डी अमाइनेज डेफिशियंसी, यानी कि एडीए डेफिशियंसी को के अगेंस्ट दी गई थी। बीटी कॉटन होता है जो इन द बीटी कॉटन द बीटी टॉक्सिन इन प्लांट टिश्यू एज प्रोटॉक्सिन इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव टॉक्सिन ड्यू टू, तो बताइए इसका, तो सभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, तो इसका आंसर वो है बी है, और ये ऑफिशियल पेपर है बीबीएससी का, ठीक, तो इसका आंसर बी है, एल्केलाइन पीएच ऑफ इंसेक्ट गट, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं हम, 185 करते हैं, दी एडवांटेज ऑफ सीड इन एंजियोस्पर्म इज और आर, सीड की क्या एडवांटेज है एंजियोस्पर्म में, तो इसका आंसर वो है डी है, क्योंकि इसका मतलब कि ऑल ऑफ द अबव है, क्योंकि वो डिस्पर्ज न्यू एरिया हो जाते हैं, सीड गोट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो और न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बनते हैं जिससे वेरिएशन आ जाती है। तो अगला क्वेश्चन है वो है, एक मिनट, अगला क्वेश्चन हमारे इतने हो गए, तो अगला क्वेश्चन है वो है 186 पे आए हुए हैं ना हम, तो एक मिनट में चेक कर लेता हूँ,
हाँ 186 पे, तो 186 पे स्ट्रॉबेरी इज ए टाइप ऑफ फॉल्स फ्रूट एज ड्यूरिंग फ्रूट फॉर्मेशन। स्ट्रॉबेरी एक फॉल्स फ्रूट है, क्यों क्यों है फॉल्स फ्रूट बताइए। तो इसका आंसर वो है, बताइए इसका आंसर पहले आप सोच लीजिए। तो इसका आंसर वो है डी है, थैलेमस भी पार्टिसिपेट करता है और एपोकार्पस ओवरी भी पार्टिसिपेट करती है। 187 को देखते हैं, दी आई जीन ऑफ लैक ओपेरोन इज, आई जीन ऑफ लैक ओपेरोन इज, तो इसका आंसर वो है डी है, इनहिबिटर जीन और रिप्रेसर जीन। ठीक, तो अगला देखते हैं 188 देखते हैं, दी जेनेटिकली अडेप्टिड पॉपुलेशन जेनेटिकली स्लाइटली डिफरेंट बट मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इज कॉल्ड एज, तो दोस्तों इसको इकोटाइप बोलते हैं, तो इसका आंसर ए है। यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज लीडिंग टू किलिंग ऑफ फिशेज इज मेनली ड्यू टू, यूट्रोफिकेशन किस किसके कारण होता है, तो यूट्रोफिकेशन होता है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका आंसर 189 का ए है। 190 देखते हैं, इनटेक ऑफ ओआरएस इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ, इनटेक ऑफ ओआरएस इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ, दोस्तों वासोप्रेसिन के सिक्रेशन को वो इनहिबिट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ डायल्यूट यूरिन, तो बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर वो है 191 का, पहले आप लिख लीजिए, तो इसका आंसर वो है सी है, ANF नहीं करता, एटीरोनेट्रियोट्रिक फैक्टर। ठीक है, 192 का देखते हैं, एट विच साइट द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट टेक्स प्लेस, किस साइट पे इमल्सिफिकेशन होता है फैट का, तो सबको ही पता यार ये तो फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर वो है डी है। 193 देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग पेपिले आर विदाउट टेस्ट बड इन ह्यूमन टंग, ह्यूमन टंग में कौन से पेपिले विदाउट टेस्ट बड होते हैं, तो इसका आंसर डी है, फिलीफॉर्म पेपिले होते हैं जो विदाउट टेस्ट बड होते हैं। 194 का देखते हैं, विच ग्रुप ऑफ एनिमल रेस्पायर थ्रू लंग, इनमें से कौन सा ग्रुप ऑफ एनिमल है जो कि रेस्पायर थ्रू लंग, तो इसका आंसर वो है डी है, रेप्टाइल बर्ड एंड मैमल। ठीक, तो 195 का देखते हैं, 195 का वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, तो बताइए वॉल्यूम ऑफ एयर इसका 195 का क्या आंसर है, तो 195 का आंसर वो है ए है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिड्यूअल वॉल्यूम। ठीक है, तो अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ वर्टिब्रेट कंटेन मिजेंगियल सेल, मिजेंगियल सेल किस में पाई जाती है, तो दोस्तों मिजेंगियल सेल पाई जाती है किडनी में। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट क्लोट, इनमें से कौन सा क्लोट नहीं कर सकता, तो दोस्तों सीरम नहीं कर सकता क्योंकि सीरम में क्लोटिंग फैक्टर नहीं होते, एक्चुअली में ब्लड विदाउट क्लोटिंग फैक्टर इज नोन एज सीरम। ठीक है, ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल, आपको इनमें से क्या करना है कि करेक्ट स्टेट में छांटनी है, तो 200 का जो मैं बता देता हूँ इसका आंसर सी है, 5 लीटर हमारी जो स्ट्रोक वॉल्यूम होती है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, होप आपने पिछली वीडियो भी देख ली होगी और इस वीडियो को तो आप देख रहे होगे। तो दोस्तों ऐसे ही हमने 2018 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको फुली सॉल्व कर लिया, अब आप इसमें किसी भी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। तो दोस्तों ऐसे ही मॉडल क्लासेज ऑनलाइन स्टडी चैनल को सपोर्ट करते रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, आपसे विदा लेता हूँ, अगली एक ऐसी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए मॉडर्न क्लासेज।